कलकत्ता वर्सेस मुंबई, तो रीमैच है ऑलरेडी। कलकत्ता 1-0 हरा चुकी है और वो भी डिफेंड करा के स्मॉल टोटल को 169 वाला मार के। तो कलकत्ता ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे पहले ये जानिए। और क्यू वर्सेस ई के बीच में मैच है, क्या मतलब, एलिमिनेटेड वर्सेस क्वालिफाइड। 8 मैच जीती है और ये 8 मैच हारी है, 12 मैच खेल के 4 ही जीती है, 11 मैच खेल के 8 जीती है और ये 8 मैच हारी है। लेकिन मुंबई इंडियंस पहली बार पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल के नॉन फेवरेट खुलने वाली है, सबसे बड़ी बात। 95 पैसा यहाँ पर केकेआर फेवरेट खुलेगी कल के मैच में। होम ग्राउंड पे मैच है ईडन गार्डन्स के, और ऐसा पिच है जिसपे दोनों को ही मदद है क्योंकि दोनों ही बैटिंग डोमिनेटेड टीम है, बॉलिंग दोनों का सो सो ही है। मुंबई इंडियंस भी लास्ट मैच जीती बैटिंग की वजह से, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ चुके हैं, इनका टॉप ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है एमआई का। यहाँ पे आपको ईशान किशन फॉर्म में नहीं है ना, इधर से रोहित शर्मा फॉर्म में है, बाकी कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं वो अलग बात है क्योंकि उस लेवल का प्लेयर है दोनों ही। केकेआर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, इनका बैटिंग डोमिनेट कर रहा है और बॉलिंग भी ओवरऑल ठीक ही ठाक है, स्टार्क थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग करने लगा। तो कल के मैच में जीतेगा कौन, मैच कैसा होगा? मैच तो देखिए, जैसा मैंने कल के मैच में ही बोला कि सेशन 10:30 कर लीजिएगा, सारा सेशन आपको लंबी छोड़ के यस हुआ, ओपन लंबी तो नहीं हुआ लेकिन एडवांस लंबी जो भी यस किया होगा सारा यस हुआ, ठीक है। बाकी कोई भी सेशन आपको नॉट देखने को नहीं मिला है जो भी आपको ओपन हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो बोला गया था हाई स्कोरिंग होगा, क्यों? क्योंकि गुजरात का मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे करवा दिया है, स्लो सर्फेस करवा दिया, अब यहाँ पे उनको मदद नहीं है, बैटिंग अच्छा फ्रेंडली पिच बनाएगा जिसकी वजह से दोनों को मदद मिले, खास करके गुजरात को, क्योंकि उनका बैटिंग किक ऑफ नहीं किया था और इस मैच में किक ऑफ किया। खैर, हमने क्या दिया, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे 70 पैसे ओपन फेवरेट जीटी को खिलवा के सीएसके प्लस करवाया, 40 पैसे पे बुक बनवा के दे दिया, ऑलरेडी 1 से 1.5 लिमिट प्लस अभी तक करवा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानिए तो 47% केकेआर इस मैच को फेवरेट है जीतने के लिए, 53% फिर से एमआई है। और जब खाने का रेट मिल जाएगा एमआई को ओपन फेवरेट से केकेआर से, तो दबा के पब्लिक खाएगी, अंधा खाएगी, मार्केट लोड फिर से एमआई पे होने वाला है। एक मैच जीत गई है, बैटिंग सबको लग रहा तगड़ा हो गया है, लेकिन हमेशा अगर ये बात जान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ना किसी को खोने के लिए ना पाने के लिए, एक एलिमिनेटेड है, एक क्वालिफाइड है, तो फ्रेंडली मैच है, प्रेशर रिलीफ करने वाला मैच है, एमआई चाहेगी थोड़ा अच्छा करके जाए, टूर्नामेंट में इतना बर्बाद हो गई है कर दी है, पंटर को थोड़ा खुशी दे दे, और केकेआर चाहेगी कि वो टॉप पे बनी रहे क्योंकि राजस्थान पीछे से उंगली कर रही है उसके पिछवाड़े में। तो मैच तो ज़बरदस्त होगा, सेशंस कैसे घटेगा, कौन सी टीम जीतेगी डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है। पूरी मार्केट आज फिर से आपको सीएसके पे बर्बाद की, हमने ओपन फेवरेट से खिलवाया, बात समझिए क्या लेवल है काम का। बैक टू बैक मैचेस पास चल रहे हैं, जो भी भाई आएगा अभी से भी कमा के देना, हमारा काम है सारा लॉस रिकवर करवा के देंगे मेरे भाई, ऐसा काम ही चल रहा है, समझिए, समझदार बनिए, बर्बाद मत होइए, ठीक है। 7:30 बजे का मैच है, तो जाइए ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सबसे पहले, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए 7428525767। बर्बादी से बचना है और अभी आबाद होने का टाइम है, क्यों? क्योंकि तुम मुझे देख लिए, मेरे चैनल पे आ चुके हो, तो तुम्हारा लक है कि तुम रिकवर कर सकते हो। ऊपर वाला भी चाहता है कि रिकवर कर लो, वर्ल्ड कप आ रहा है, एक लिमिट बना लो, तो ज्वाइन करो, इस पर कॉन्टैक्ट करो और इसको भी स्कैन करो, ज्वाइन करो। सबसे बेहतरीन टेक्निक है यहाँ पे, देखिए हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, फ़ायदा उठाइए मैच और सेशन का, नेक्स्ट लेवल काम आ रहा है। इतना हार चुके हो तो जुड़ के थोड़ा सा आजमा के देख लो, कहीं किस्मत चेंज हो जाए मेरे भाई। 29 डिग्री टेम्परेचर, चांसेस ऑफ रेन 20% है, ह्यूमिडिटी 85% की है, तो ड्यू फैक्टर जम के बूम बूम करके पड़ेगा, समझ जाइए। सेकेंड बैट को एडवांटेज होगा, अन्यथा फर्स्ट बैट करने वाली टीम 250, 240, 230 ना मार दे, ठीक है, मतलब आउट ऑफ सेंस टारगेट लग जाएगा तो फिर डिफिकल्ट है। 210-15 तक चेजेबल है, 20 तक भी चेजेबल है, 25 तक भी चेजेबल है, 230 के बाद अलग माइंडसेट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है बैटिंग टीम को चेंज करने में, ठीक है। बाकी दोनों टीम तो कैपेबल है जिस लेवल का बैटिंग रख रही है, और फर्स्ट इनिंग में 8 बजते बजते ड्यू आ जाएगा। देखिए हम लोग नॉर्थ से हैं तो हमें पता है अभी कि कलकत्ता में लगातार में बारिश हो रहा है और वेदर पूरा यहाँ पे ख़राब चल रहा है, तो कहने का मतलब है मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा तो इनिशियली थोड़ा फर्स्ट 6 ओवर सेशन ध्यान से खेलिएगा, स्विंग मिलेगा, विकेट भी जा सकता है, कहने का मतलब सेशन मोटा खुलेगा ही खुलेगा, दोनों टीम में से कोई भी आए ओपन 57-58 के करीब करीब, नीचे जाए विकेट पे तो यस करिए, आंख बंद करके यस होगा, इतना छोटा डायमेंशन है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है। लेकिन अब ज़्यादा रेन की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्विंग अवेलेबल होने लगता है, लंबा चल जाता है, तो सेकेंड बैट को पूरा एडवांटेज है, ठीक है। फर्स्ट बैट को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, बाकी 8 बजे के बाद
जैसे जैसे बॉल पुराना होगा तो सरफेस उतना मदद नहीं देगा बॉलर्स को, और ड्यू भी पड़ने लगेगा तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद सेशन सारा यस करिए, विकेट नहीं गिरा है तो यस करिए, बिना मतलब का नॉट मत करिएगा। कंडीशन स्लो है तो फिर से नॉट करके चल सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बारिश हुआ है तो स्लो होने का भी चांस है कंडीशंस में। 92 टोटल मैच हुआ, 38 बार फर्स्ट बैट, 54 बार सेकंड बैट, 166 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, 261 हाईएस्ट और 49 लोएस्ट है। अब देखिए 150 से नीचे 27 बार लगा है, 152-169, 20 बार लगा है, 172-180, 27 बार लगा और एवव 190 18 बार लगा है। लेकिन लास्ट तीन मैच देखिए, यहाँ पे तो डीसी 153 पे ही पैक हो गई लास्ट मैच में, और केकेआर आराम से चेज कर गई 16.3 ओवर्स में। 9 विकेट जो गिरा, 5 विकेट पेसर, 4 विकेट स्पिनर्स, 3 में से 1 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर्स। 261 जैसा टारगेट भी यहाँ पे आराम से चेज हुआ था, 262 मार के पीबीकेएस, हमारी टीम भी पीबीकेएस थी, 4 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, और यहाँ पे जो 2 विकेट गिरा उसमें से 1 विकेट स्पिनर्स को मिला। फिर देखिए यहाँ पे 226 का टारगेट भी, 222 का टारगेट भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था, ओआरसी भी क्रम्पल कर गई, नहीं तो यहाँ पे एक रन से नहीं जीती केकेआर। 6 में से 6 विकेट पेसर, 10 में से 6 विकेट पेसर, 3 विकेट स्पिनर्स, 22 विकेट है लास्ट तीन मैच में पेसर्स के पास, और 11 विकेट है यहाँ पे स्पिनर्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हाई स्कोरिंग वेन्यू, और छोटा डायमेंशन वाला वेन्यू हमेशा हाई स्कोरिंग होता ही है, अनलेस बहुत ज्यादा स्लो सर्विस ना हो, और कंडीशन है, हो सकता है क्योंकि बहुत बारिश हुआ है। ठीक है, 33 मैच हुआ इन दोनों के बीच में, 10 केकेआर, एमआई 23 जीती है। ठीक है, तो एमआई बहुत डोमिनेट करती है केकेआर के ऊपर, लेकिन इस साल केकेआर बहुत हाई है मोरल पे क्योंकि लो टारगेट डिफेंड करके जीती है। 10 मैच कोलकाता में हुआ, 3 ही जीती है केकेआर। एमआई देखिए कितना डोमिनेट कर रही है, इसका होम ग्राउंड है लेकिन एमआई 7 मैच जीती है मेरे भाई। इंडिया 27 मैच हुआ है, 8 मैच केकेआर, 19 मैच यहाँ पे एमआई, तो एमआई ओवरऑल बहुत डोमिनेटिंग रही है। बाकी लास्ट 5 गेम में देखिए तो केकेआर का डोमिनेशन बहुत भड़भड़ के है, 4 मैच जीती और 1 मैच ही जीतने दी एमआई को, तो केकेआर रिसेंट ईयर में डोमिनेट कर रही है। केकेआर का देखिए तो लगातार में 3 मैच विन है, फिर लॉस है, विन है, तो 4 मैच जीत के आ रही है लास्ट 5 में से। यहाँ पे एमआई का लास्ट मैच विन है, उससे पहले लगातार हार के आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि लास्ट मैच जो है एमआई का कॉलम में विन दिख रहा है। टीम कंपटीशन करते हैं, लास्ट 10 मैच का दोनों टीम का उठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लास्ट 10 में से 7 मैच जीत के आ रही केकेआर, 202 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 272 हाईएस्ट है और 137 लोएस्ट, और इस साल सबसे ज्यादा 200 रन मारने वाली टीम केकेआर ही रही है। इनका देखिए तो लास्ट 10 में से 4 मैच जीती है, 182 का यहाँ एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 247 हाईएस्ट और 125 लोएस्ट है। तो ओवरऑल केकेआर हर चीज में डोमिनेट करते हुए देखने को मिल रही, चाहे एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर भी देख सकते हैं। यहाँ ईडन गार्डन में देखिए तो लास्ट 10 मैच में से केकेआर 5 मैच जीत के आ रही है, 191 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 261 हाईएस्ट और 149 है, तो ये देखने वाला बात है कि इतना रन ये मार देती है 191। यहाँ पे देखिए लास्ट 10 में से ईडन गार्डन में नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस रहता है एमआई का, 8 मैच जीत के आ रही है, और यहाँ पे एवरेज थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, 180 के करीब करीब वो कर सकती है, बैटिंग है इनके पास, 210 हाईएस्ट, 148 लोएस्ट है। सेशन टिप्स का बात करें तो 56-57 तो लास्ट 10 मैच में हमेशा ऑन एन एवरेज मैच निकाल के दे रहा हूँ और लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मैंने बताया कि फर्स्ट 6 ओवर में थोड़ा नीचे विकेट मिले 50-51 तो यस करिए, 90-134 और 195 अच्छा सरफेस मिलेगा तो ये सब कुछ नहीं है, सब यस होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी 68 और 100 ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, सेकेंड इनिंग का आपको छोड़ के चलना है, 102-145 और 201। प्लेइंग 11 का बात करेंगे कि क्या की तरफ से तो फिलिप सॉल्ट अच्छे फॉर्म में, सुनील नारायण, अंग्रेश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमन दिंग, मिचेल सेंटर, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, तो ओवरऑल सब इन फॉर्म दिख रहा है। इधर बात करें तो ईशान किशन, रोहित शर्मा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, नवंदी ठीक ही है, सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, अंशुल, कंबोज अच्छा बॉलिंग किया, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे नुवन तुसारा और निहाल वधेरा। बाकी ओवरऑल बात किया जाए तो बॉलिंग थोड़ा सा सोसो है मुंबई इंडियंस का, और टॉप ऑर्डर का हाल बुरा दिख रहा है। फिलिप सॉल्ट का बात किया जाए तो 32-5-68 75-48 कैप्टन बना लिए, नेक्स्ट लेवल फॉर्म में, 32-13-30 साथ इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे सुनील नारायण हमेशा से रहने वाले हैं, 81-8-15-17 71-10 1-2-1-1 दोहर मैच में विकेट भी और रन भी देखिए तो कैप्टन के लिए जबरदस्त ऑप्शन है। अय्यर का बात किया जाए तो 23-6-33-28-50 इससे बेटर ऑप्शन अगर बात किया जाए यहाँ पे तो थोड़ा स्लो खेल रहा है अय्यर, इसलिए इसको ड्रॉप करिए। और वेंकटेश अय्यर को देखिए 1-70-26-39-16 मैं वेंकटेश अय्यर को इसलिए प्रीफर करूंगा क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका जबरदस्त रिकॉर्ड रहता है, 12-7 डीएनवी 24-27-2-2-0-0-3। देखिए ये आंद्रे रसल बैटिंग से बिल्कुल नहीं चलता है एमआई के खिलाफ, ठीक है, 16-9-11-5-24। रिंकू सिंह को एक बार दाव लगा सकते हैं, बहुत दिन से चला नहीं और ऊपर भी आ सकता है इस मैच में, तो कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में। ठीक है, 25-2-6-24-1 फिनिशर का रोल बखूबी निभा रहा, अच्छा यहाँ पे फिनिश करके दे रहा है अगर कोई मिस आउट कर रहा है तो। मिचेल स्टार्क अच्छे फॉर्म में, 1-4-1-1-1 तो यहाँ पे देखिए लास्ट 4 मैच में 5-6-7 विकेट है। इधर हर्षित राणा 3-2-0-2-2 ये अच्छा बॉलिंग कर रहा है, इसको जरूर पिक करिए, यहाँ पे 9 विकेट है लास्ट 5 मैच में, 3-2-3-0-1। और वरुण चक्रवर्ती से बेटर ऑप्शन सुनील नारायण ही रहने वाले क्योंकि बैट्स अभी कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। ईशान किशन 9-13
32-20 आउट ऑफ फॉर्म में हटाइए। सूर्य कुमार अब नेक्स्ट लेवल फॉर्म में आ चुका है, 102-56-10-26-10 इसको पिक कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बात किया, रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म ही है, 4-11-4-8-6। और केकेआर के विरुद्ध इनका व्यवसाय कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सुनील निराण के खिलाफ 13 बार आउट हो चुके हैं ये, 0-11-0-30-20। इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा तिलक वर्मा, जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहा है। लास्ट मैच में 37-4-7-63-65, तो 2 मैच छोड़ी, बाकी सब में परफॉर्म किया है इसने, 24-35-37-3-14। देखिए फिनिश करने का रोल है इनका, वो कर रहा है ये। इधर देखिए बैटिंग नहीं मिला, 1-0-46-10-3-2-2-0-0। बॉलिंग के लिए इसको प्रीफर कर सकते हैं, लास्ट 3 मैच में 7 विकेट इसके पास। कंबोज 1-0-1-1, देखिए ये 3 विकेट गिरा देता है, लेकिन यहाँ पे इसका कैच इतना छोड़ा प्लेयर्स ने, ट्रेविस हेड और बाकी प्लेयर्स का, नहीं तो इसके पास ज़्यादा विकेट रहता। 0-3-1-0-0-3-1-0-1-1, बाकी यहाँ पे जसप्रीत बुमराह बेस्ट ऑप्शन, 1-3-0-1-0, ठीक है। और ड्रीम इलेवन टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बनाई है आपके लिए, फिलिप सॉल्ट के साथ ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस सैयद, तिलक वर्मा अलॉन्ग विद सुनील नारायण, आंध्र रसल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, चक्रवर्ती और हर्षित राणा। कैप्टन के लिए बात करेंगे यहाँ पे तो सुनील नारायण बेस्ट ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में तो इनको भी पिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं फिलिप सॉल्ट को कैप्टन, और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा के साथ भी जा सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर ज्वाइन करिए, फ्री में टीम आता है। नेक्स्ट लेवल टीम आ रहा है 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कॉन्टैक्ट करिए मैच और सेशन के लिए, और ड्रीम इलेवन टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं मैच और सेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।